हेलो फ्रेंड्स, मैं जमाल, इग्नू काउंसलर कोलकाता। तो हम है इग्नू के मेन साइट पे ignuac.in, और ये हम देख पा रहे हैं कि ऑफिशियली फाइनली बहुत बड़ा गुड न्यूज़ ये है कि ऑफिशियली ये अनाउंसमेंट कर दिया गया कि एग्ज़ाम जो है वो 4 मार्च से कंडक्ट किया जाएगा। जितने भी टर्म एंड एग्ज़ाम थे जो कि हमारे जनवरी फरवरी में होने वाले थे, वो जो पोस्टपोन हो चुके थे, ठीक है, उन्हें क्या किया गया है, फाइनली ये अनाउंस किया गया है कि 4 मार्च से एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। ठीक है, ध्यान रहे कि आप नोटिफिकेशन में आते हैं, आप मेन साइट पे जा सकते हैं, मेन साइट में आपको ये कंप्लीट नोटिफिकेशन दिख जाएगा। यहाँ पे आप देखिए, एक चीज़ आप दिखाते हैं कि ये चीज़ क्या किया गया है। अभी सिर्फ कंफर्म किया गया है कि हाँ, एग्जाम जो है वो 4 मार्च से स्टार्ट कर दिया जाएगा। ये स्टूडेंट को अवेयर कर दिया गया है कि हाँ, जो एग्जाम है वो स्टार्ट होगा 4 मार्च से। बट अभी कोई भी एग्जैक्ट टर्म एंड जो शीट है, जो शेड्यूल है एग्जाम का, वो अभी प्रोवाइड नहीं किया गया है। ठीक है, वो भी विद इन अ वीक जो है वो आई थिंक अपलोड कर दिया जाएगा कि जो भी उसके शेड्यूल्स हैं एग्जाम के, किस किस दिन को कौन से डेट शीट होंगे, वो भी बहुत जल्दी जो है वो डेट शीट जो है वो एग्जाम साइट पे ही आ जाएगी। और आप ऑफिशियल साइट पे ही चेक कीजिएगा, ठीक है, वो आपको ऑफिशियल साइट पे ही चेक करना है डेट शीट। जब भी आएगी डेट शीट, आप ऑफिशियल साइट पे ही चेक कीजिएगा आके, और वो बहुत जल्द, मुझे लगता है विद इन अ वीक आ जाएगा। बिकॉज क्योंकि जो एग्ज़ाम है, एग्जाम से 15 to 20 days के पहले, इफ एटलीस्ट रेगुलर बेसिस पे तो 1 month पहले मिलता है, बट अभी केसेस कुछ और हैं, तो मुझे लगता है कि विद इन अ वीक वो आ जाना चाहिए मेन साइट पे। ठीक है, और हॉल टिकट्स एज यूजुअल जो है विद इन एक वीक पहले ही मिलता है, तो वो एक वीक पहले ही मिलेगा। और जैसा कि उन्होंने कहा कि 4 मार्च से एग्जाम स्टार्ट होगा, तो ये 1-2 दिन से आगे भी हो सकता है, मतलब पेपर के हिसाब से। आपका पेपर जरूरी नहीं 4 मार्च से ही स्टार्ट हो, 4 मार्च से कुछ पेपर्स स्टार्ट हो जाएंगे, आपके पेपर्स विद इन अ वीक या आफ्टर 10 days या आफ्टर 2 days भी स्टार्ट हो सकते हैं। चलिए, तो एक बहुत अच्छी न्यूज़ मिली है हमें, और जैसे ही डेट शीट आएगा मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूँगा, और आप अपने इग्नू का ऑफिशियल साइट पर भी जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।